हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में मारपीट की घटना के खिलाफ एकजुट हुए डिस्कॉम कर्मचारी, प्रदर्शन कर मांगी सुरक्षा, अधीक्षण अभियंता को अलग अलग संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। डिस्कॉम कर्मचारियों के साथ आए दिन हो रही मारपीट के खिलाफ सभी कर्मचारी व विद्युत श्रमिक एकजुट हो गए हैं। शुक्रवार को डिस्कॉम के ओल्ड पावर हाउस में अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन कर सुरक्षा देने की मांग की। साथ ही शहर के भीतरी क्षेत्र में डिस्कॉम टीम से मारपीट करने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस संबंध में उन्होंने शहर वृत्त के अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल भीतरी शहर के व्यापारियों का मोहल्ला में विजिलेंस चेकिंग के लिए गई डिस्कॉम की 4 सदस्यीय टीम के साथ कुछ लोगों ने मिलकर मारपीट की थी। इसमें JEN व उनके साथ गए 3 हेल्पर घायल हो गए। एक हेल्पर के लोगों ने कपड़े तक फाड़ दिए। इस संबंध में डिस्कॉम प्रशासन की ओर से सदर बाजार पुलिस थाने में मारपीट, जाति सूचक गालियां निकालने व राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसको लेकर आज विद्युत श्रमिकों व कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर डिस्कॉम बिजली कर्मचारी संघ इंटेक के बैनर तले कर्मचारियों ने ओल्ड पावर हाउस में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का अधीक्षण अभियंता शहर वृत्त को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही जोधपुर वितरण विद्युत निगम श्रमिक संघ ने भी मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संघ के उपाध्यक्ष दौलत सिंह ने बताया कि अधीक्षण अभियंता शहर वृत्त को अपनी मांग का ज्ञापन भी सौंपा गया। हमारी मांग सच्ची है, हमारी मांग सच्ची है, कर्मचारियों का शोषण बंद करो। कल दिनांक 22 को हमारे सिटी सर्कल के घंटाघर जी सकते हैं कर्मचारी और अधिकारी सभी मिलकर विजिलेंस करने गए व्यापारियों में, लेकिन वहाँ कुछ सामाजिक तत्वों ने हमारे कर्मचारी और अधिकारियों के साथ मारपीट की, जिसकी भारतीय संघ घोर निंदा करता है। और हम आज टूल डाउन पे हैं और हमारी अगर उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो जोधपुर डिस्कॉम के 11 वर्षों पर टूल डाउन भारतीय मजदूर संघ टूल डाउन करेगा और तुरंत प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी की मांग करता है। लवजीत सिंह पवार, जोधपुर डिस्कॉम महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।